गुड इवनिंग स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को डेसिमल सबट्रैक्शन के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ओके, तो चलिए डेसिमल सबट्रैक्शन देखते हैं होता कैसे, सॉल्यूशन इसके कैसे किया जाता है। देखिए 7.8 और 4.8 नॉर्मल सबट्रैक्शन की तरह ही करना है। 8 में से 2 को सबट्रैक्ट करोगे तो आप 6 बच जाएगा, 7 4 3। यहाँ पर हमने डेसिमल क्यों फिर किया, क्योंकि देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल को फिर करेंगे। ओके, चलिए एक और देखिए, 6.4 3.2 4 में 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 2, 6 में 3 को करेंगे तो 3। यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद ही हमें डेसिमल को लगाने हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, 8.6 में से 4 2, 8 में 3 5। ओके, ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 9.6 में आप 3 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, 6 में 3 3, 9 में 2 7। ओके, 8.4 2.2 2 और 6 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल को फिर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका सबट्रैक्शंस, डेसिमल सबट्रैक्शंस। ओके, तो इसके कुछ मैं अभी तो ये सिंपल कराई हूँ, कुछ डिफिकल्ट में भी करवा देती हूँ। नॉर्मल सबट्रैक्शंस की तरह ही है, अगर आप वही वैल्यू में मिल जाए आपको तो 8.62 3 4 3 5। ओके, इसको भी नॉर्मल सबट्रैक्शंस की तरह करना है। पहले आप 3 में से 4 आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप इससे 1 रुपीज़ ले लो, ये 1 हो गया। अब 1 है इसके पास तो 1 में से 3 रुपीज़ ये वापस नहीं कर सकता, इसे 5 बनाइए, इससे 1 रुपीज़ ले लीजिए। 5 में 5 हो सकता है क्योंकि 5 रुपीज़ है और इसे 5 रुपीज़ ही किसी को देना है, तो ऑलरेडी हो सकता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, 13 में 4 9, 11 में 2 8, 5 5 0। और ये देखो यहाँ पे हमने डेसिमल क्यों फिर किया, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल फिर लेना, 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल फिर लेना, तो आंसर में भी 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल फिल करना है। ओके, चलिए एक और करवा देती हूँ, 7 4 5 6 3 2। ओके, देखिए अब इसको सबसे पहले 4 है, 4 में से 5 रुपीज़ वापस नहीं कर सकता, इससे 1 रुपये उधार लेगा, ये हो गया 14, ये हो गया 6 से 6 रुपीज़ ही वापस करना, हाँ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 में से 3 रुपीज़ वापस हो जाएगा, 8 में से 2 भी वापस हो जाएगा, 14 में 5 कितने बच जाएंगे, 9 6 6 0 3 6। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, 7.6432 9 7 3 1 2। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके पास 2 रुपीज़ है, इसे वापस 9 रुपीज़ करना है, नहीं कर सकता, इससे 1 रुपीज़ ले लेगा, ये 2 रुपीज़ हो गया। अब इस 2 के को भी 7 रुपीज़ वापस करना है, ये भी नहीं कर सकता, इसने इससे ले लिया और ये 12 बन गया, ये 3 रुपीज़ वापस कर सकता है। 6 में 1 7 2, बाकी सब सही है, 12 में 9 3, 12 में 7 5 3 3 0, 6 में 1 सबट्रैक्ट करें तो 5। अब हमने यहाँ पर डेसिमल क्यों फिल किया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद है ना, तो 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद। ओके बच्चों, तो नॉर्मल सबट्रैक्शंस की तरह ही है, बस आपको डेसिमल फिल करने हैं इसमें, और कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैं इसके क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, होमवर्क दे रही हूँ, टाइप 1।
क्वेश्चन है जिसे आप लोग पहले कॉपी में लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये आपके हैं टाइप टू। अब मैं टाइप थ्री के क्वेश्चंस इसके बाद दे रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन सर 18.362 16.221। ओके सेकेंड क्वेश्चन सर